पकड़ो भाई उसको, पकड़ो भाई उसको। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हैं बहराइच हिंसा की और नेपाल बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर की, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू को गिरफ्तार कर लिया है, जो हिंसा वाले दिन के बाद से नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। आज पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ है। बता दें कि एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरक बंदूक और तमंचा बरामद कराने ले गई थी, जहां आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था और मौका देख उन लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालीम को गोली लगी। हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13-10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, क्योंकि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई, और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था, और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पर छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है, और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम काम कर रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। बता दें कि बहराइच हिंसा में अब तक 5 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल हैं। आपको बता दें कि घायल आरोपियों का इलाज करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान पता चला कि एक के दाएं और एक बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं नानपारा के डॉक्टर ने बताया कि बुलेट का एग्जिट पॉइंट नहीं मिला है, गोली अंदर फंसी हुई है, ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालीम करके, मोहम्मद तालीम, तो दोनों के एक के दाएं पैर में एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, और कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है, बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर के बाद एक बार फिर यूपी में माहौल गर्मा गया है, जिसको देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने बहराइच में सिपाहियों की बड़ी संख्या में तैनाती कर रखी है, और किसी प्रकार की कोई हिंसा फिर न हो इसके लिए फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। खैर, हालात सामान्य है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।